नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप बागड़ी। आज हमारा जो टॉपिक है करंट जीके से संबंधित टॉपिक रहेगा, और आज जो टॉपिक है 21वें राष्ट्रमंडल खेल के बारे में अपने को अध्ययन करना है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल के बारे में अपने को अध्ययन करना है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि 21वें जो राष्ट्रमंडल खेल है वो हर 4 साल बाद आयोजित होते हैं। अब की बार 2020 में 2018 में आयोजित हुए और नेक्स्ट 2022 में आयोजित होंगे। फिर इसका आयोजन की बात करें तो 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 4 अप्रैल 2018 से लेकर 15 अप्रैल 2018 तक इसका आयोजन किया गया। फिर इसका आपको ध्यान रखना है शुभांकर, 21वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभांकर कौन था? बोरोबी था। बोरोबी नाम का एक पक्षी है ऑस्ट्रेलिया का, उसे इसका शुभांकर बनाया गया था। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखना है इसका आयोजन की बात करें तो इसके आयोजन में दो देशों ने इसकी बोली लगाई थी, एक तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया व हम्बन कोटा श्रीलंका ने। लेकिन इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था, और गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन 3 बार हो चुका है। ये ध्यान रखेंगे, साथ साथ में इसका आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 3 बार हो चुका है। फिर बात करें दोस्तों इस राष्ट्रमंडल खेल की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी हेलो अर्थ। इसकी थीम हेलो अर्थ। इसका मोटो या स्लोगन की बात करें तो इसका मोटो या स्लोगन था शेयर द ड्रीम्स, सपनों को साझा करें। इसके बाद में दोस्तों प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें 19 प्रकार की प्रतियोगिता थी, जिसमें 275 प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया था। 19 प्रकार की प्रतियोगिता में 275 प्रकार के खेल का आयोजन किया गया था। इसमें 71 देशों ने भाग लिया था। अभी 71 देशों में भाग लिया, इसमें भारत की क्या भूमिका रही, भारत के बारे में अपने को अध्ययन करना है। सबसे पहले भारत के बारे में ध्यान रखेंगे, फिर देखेंगे कि जो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान भी इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों बात करें भारत के, तो उद्घाटन ध्वजावाहक, भारत में उद्घाटन ध्वजावाहक कौन रहा, तो पीवी सिंधु भारतीय उद्घाटन ध्वजवाहक रही। जो पीवी सिंधु का संबंध भी आपसे पूछ सकता है तो टेनिस से इसका संबंध है, टेनिस खेलते पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु का संबंध हैदराबाद आंध्र प्रदेश से है। पीवी सिंधु का संबंध हैदराबाद आंध्र प्रदेश से है। इसके बाद में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है समापन ध्वजावाहक, समापन ध्वजावाहक थी एम सी मैरी कॉम, जिसका संबंध बॉक्सिंग से है, और ये जो रहने वाली है वो मणिपुर की है। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, भारतीय उद्घाटन ध्वजवाहक कौन रही और समापन ध्वजवाहक कौन रहा, दोनों आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन ध्वजवाहक में पीवी सिंधु और समापन ध्वजवाहक में कौन रही, एम सी मैरी कॉम। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि भारत ने कुल कितने मेडल है वो जीते होंगे, तो दोस्तों ध्यान रखना है। स्थान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ इसलिए ऑस्ट्रेलिया इसमें प्रथम स्थान पर रहा 198 मेडल जीतकर। फिर बात करें दूसरे स्थान पर इंग्लैंड रहा, और भारत का जो स्थान है तीसरा स्थान रहा। क्वेश्चन ये कि ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल में या कॉमनवेल्थ गेम में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो तीसरा स्थान रहकर भारत ने कुल 66 पदक जीते हैं। अब दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं कि 66 पदकों में स्वर्ण पदक कितने हैं, रजत पदक कितने हैं और कांस्य पदक कितने हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना भारत ने 26 स्वर्ण पदक जीते, 20 रजत पदक जीते और 20 ही कांस्य पदक जीते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपने को ध्यान रखना है इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों की क्या भूमिका रही, तो इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों का आयोजन, राजस्थान ने कुल 3 पदक जीते हैं, इसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं, 3 पदक जीते हैं। जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों की बात करें तो अपूर्वी चंदेला रही जिसने 1 पदक जीता, और पदक कौन सा था, कांस्य पदक जीता है। और अपूर्वी चंदेला का जो संबंध है दोस्तों जयपुर से संबंध है, और ये कौन सा गेम खेलती है, तो निशानेबाज से इसका संबंध है। ये भी आपको ध्यान रखना है अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे, निशानेबाज से है। दूसरा दोस्तों बात करें ओम प्रकाश मिठारवाल की, तो दोस्तों ओम प्रकाश मिठारवाल ने 2 पदक जीते हैं, इसका भी संबंध, इसने भी कांस्य, दोनों पदक कांस्य जीते हैं, इसका संबंध सिक्कर से है और इसका संबंध भी किससे है, निशानेबाज से है। ये भी आपको ध्यान रखना है इसका संबंध भी किससे है, निशानेबाज से है। ओम प्रकाश मिठारवाल और अपूर्वी चंदेला कुल 3 पदक जीते हैं, दोनों का संबंध, दोनों ने कांस्य पदक जीते, दोनों का संबंध जयपुर से, दोनों का संबंध
निशानेबाज से हैं। अपूर्वी चंदेला ने कांस्य पदक जीता और ओम प्रकाश ने भी कांस्य पदक जीता है। इसके बाद में दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और नेक्स्ट पेज पे आपको देखो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें देखो सबसे कम उम्र का खिलाड़ी 21वें राष्ट्रमंडल खेल में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता है तो दोस्तों वो है अनीश बनवाल 15 साल की आयु का है और इसका संबंध निशानेबाज से है और ये करनाल हरियाणा से बिलोंग करता है। सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता अनीश बनवाल है, मात्र 15 साल की आयु है, निशानेबाज से संबंध है और ये करनाल हरियाणा का है। इसके बाद में नेक्स्ट दोस्तों आता है 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में होगा। दोस्तों आपको बताया था 2018 में की बार आयोजन हुआ है, 2018 का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और हर 4 साल बाद इसका आयोजन होता है तो 2022 में इसका आयोजन कहाँ होगा, बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन होगा। इसके बाद में दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं कि 20वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों अब की बार जो आयोजन हुआ है 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ है गोल्ड कोस्ट में और 20वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2014 में हुआ था क्योंकि 4 साल बाद होता है और 2014 में कहाँ हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजन हुआ था। तो ये था हमारे राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित टॉपिक। दोस्तों आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और आप इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल प्रेस भी करें। जय हिंद, जय भारत।